अजमेर विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या एक में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर प्रेग्नेंट करने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। वहीं 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अजमेर न्यायालय संख्या 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि यह मामला कोतवाली थाने से जुड़ा है, जहां 10 अगस्त 2020 को मामला पुलिस के सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्यवाही शुरू की गई थी। इस मामले की जानकारी पीड़िता के पेट में दर्द होने के बाद उसका जनाना अस्पताल में गर्भपात कराने पर मिली। इस मामले में डॉक्टर टीम ने कोतवाली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने आरोपी के कहने पर पहले पुलिस को गुमराह करते हुए एक अध्यापक पर रेप का आरोप लगाया था। इस दिशा में जांच शुरू की गई, लेकिन जब पीड़िता से वापस पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उसी के ही एक अन्य किराए के मकान में रहने वाले एक 56 वर्षीय बुजुर्ग ने उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। हवस का पुजारी वासुदेव सोनी नाबालिग को घर पर अकेला देखकर उसे बहला फुसला कर अपने पास बुलाता और अपने कमरे में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता। इसी दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई थी। पुलिस ने आरोपी वासुदेव को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां लगातार सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को मृत्युदंड तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। 2020 की घटना है, दिनांक 10/8/2020 की घटना है। इसमें जो पीड़िता और मुलजिम दोनों एक मकान में किराएदार रहते थे, और जब इस पीड़िता की माँ बाहर चली जाती थी तो पीछे से इस पीड़िता को अपने कमरे में ले जाके आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता था और लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी और जब उसके घर वालों ने उसकी सोनोग्राफी कराई, जब पता चला कि ये प्रेग्नेंट है और जिस पर ये खुलासा हुआ, जिसके पर्चा बयान पर ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आज एक अहम फैसला सुनाया गया पॉक्सो 2 न्यायालय द्वारा, जिसमें आरोपी वासुदेव को लाइफ टाइम आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जीवन पर्यंत तक जेल में रहने का मतलब वो आदेश सुनाया है और 1 लाख रुपये के कठोर दंड से दंडित किया है। इसमें हमारे अभियोजन की ओर से कुल 22 गवाह और 26 दस्तावेज प्रदर्शित हुए, और इसमें जो मेडिकल मिलान जो हुआ है, जो पुष्टि हुई है, जो डीएनए मैच हुआ है आरोपी का और पीड़िता का, मैच होके आया है, जिस पे ही ये सजा सुनाई है। कैसे पता चला इसका? ये जब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए थे, और वहाँ हॉस्पिटल में जब ये इसकी सोनोग्राफी वगैरह की गई थी, जाँचें हुई थी, उसमें जब ये पता चला ये प्रेग्नेंट है, जब पीड़िता से पूछा गया तो सब उसने अपनी सारी घटना को बताया कि वासुदेव अंकल जो थे वो मेरे साथ दुष्कर्म करते थे, और ये बात मेरे को किसी से बताने के लिए उसने डराया धमकाया, ये बात किसी को नहीं बताना है, जिस पे पीड़िता डरी हुई सहमी हुई थी, ये बात बाद में ये मेडिकल से इनसे सब खुलासा हुआ है। हाँ, इस पर थोड़ा सा इल्ज़ाम दूसरे पे भी लगाया, लेकिन पुलिस ने उसको पूरे जाँच में प्रमाणित नहीं माना गया और वासुदेव के खिलाफ ही चार्जशीट पेश करी। टिप्पणी क्या करे न्यायाधीश ने? न्यायाधीश ने जो बच्चों के साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही, लैंगिक अपराध बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए, एक समाज में संदेश देने के लिए कठोर से कठोर दंड से ही दंडित किया जा सकता है, ये टिप्पणी की गई है।